जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत ही खास वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी की जीवन तथा गणित के क्षेत्र में इनके योगदान के बारे में। आपके बीएड में हमेशा से एक सवाल पूछा जाता है इससे संबंधित, उसी को हम देखेंगे कि किस प्रकार आर्यभट्ट जी ने गणित में अपना योगदान दिया था और इनके जीवन के परिचय के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी करेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक भारतीय को जानना चाहिए, चाहे आपका गणित मैथ सब्जेक्ट हो या ना हो। आप जब इस चीज़ों को पढ़ेंगे, मेरी खुद की एक जिज्ञासा होती है कि कोई मुझे ऐसा शिक्षक मिले जो मुझे आर्यभट्ट जी के बारे में बताए, क्योंकि जितना मैं इस चीज़ को पढ़ता हूँ मुझे और जिज्ञासा होती है कि मैं इनको जानूँ। आप ये जान के ताज्जुब करेंगे, हैरान होंगे कि एक शख्स, एक महान गणितज्ञ, एक महान खगोल शास्त्र वैज्ञानिक, उस दौर में जिस दौर में कोई टेलीस्कोप नहीं था, दूरदर्शी नहीं था, उस दौर पर भी ये ग्रह, तारे, उपग्रह, पृथ्वी, इनकी दूरी, चाल, इनकी त्रिज्या बताती, इनका इनका शेप कैसा था ये बताते थे, इनके डिस्टेंस कितना है ये सारी चीज़ें बताते थे। त्रिकोणमिति के क्षेत्र में इन्होंने कई सारे फॉर्मूलेज दिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, सब इन्हीं के द्वारा दिया गया है। उस दौर में भी ये महान लोग हमें गणित के बारे में बताते, लेकिन शायद ये हमारा दुर्भाग्य कि हम इनको ना पढ़ पाएँ और ना कोई हमारे पास है जो हमें इनको पढ़ा सके। फिर भी हम कोशिश करेंगे इनके जो योगदान है वो हम यहाँ पे डिस्कस करें बहुत ही शॉर्ट में, ताकि आप बीएड में चीज़ों को लिख सकें। अच्छा, इनके बारे में आप जैसे पढ़ेंगे तो इन्होंने मैथ को मैथ से नहीं पढ़ाया, इन्होंने मैथ को श्लोक से पढ़ा दिया, श्लोक में पढ़ाया, शायरी में पढ़ाई, पंक्तियों में पढ़ाया, इन चीज़ों को देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इनके जीवन के बारे में। तो आर्यभट्ट जी, इनका जन्म 476 ईसा पूर्व ईस्वी में कुसुमपुर नामक स्थान पर माना जाता है। हालांकि इस मत में कुछ मतभेद है, लेकिन विद्वानों का मान्यता यही है कि 476 में कुसुमपुर नामक स्थान पर हुआ था। आर्यभट्ट जी भारत के महान ज्योतिषविद थे, जो कि ग्रह, नक्षत्र, तारों के बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, बहुत ही अच्छी इनकी जानकारी थी। इन्होंने आर्यभट्ट ये ग्रंथ की रचना की जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इनकी मुख्य रचना है दोस्तों आर्यभट्टीय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हमेशा आप याद रखिएगा। आर्यभट्टीय इनकी क्या है, एक प्रमुख रचना है। आर्यभट्ट प्राचीन समय के सबसे महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञों में से एक थे। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उनके कार्य आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरणा देते हैं। आर्यभट्ट उन पहले व्यक्तियों में से थे जिन्होंने बीज गणित का उन्होंने प्रयोग किया श्लोक के माध्यम से। आइए, उन्होंने अपने प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टीय गणित की पुस्तक को कविता के रूप में लिखा। यह प्राचीन भारत की बहुत चर्चित पुस्तकों में से एक है। उन्होंने पूरे मैथ को गणित में, उन्हें वो कैसे लिखते थे, अ को 10 एक लिखते थे, उनके अ मतलब आज का एक अ, और ई का मतलब वो 10 लिखते थे, ऊ का मतलब वो 1000 लिखते थे, 100 लिखते थे। तो जहाँ पे वो श्लोकों में लिखते थे, मुझे खुद की इतनी जानकारी नहीं, अभी आगे कुछ पॉइंट्स दिए हैं उसमें हम देखेंगे, तो वो इस तरीके से मैथ का वर्णन करते थे। इस पुस्तक में दी गई ज़्यादातर खगोलीय शास्त्र और गोलीय त्रिकोणमिति से संबंध रखती थी। आर्यभट्टीय में अंकगणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति के 33 नियम दिए गए। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो देख के आप यकीनन ताज्जुब करेंगे। आर्यभट्ट जी ने एक सूत्र दिया था, एक श्लोक जो लिखा था, जो श्लोक मुझे मिल पाया है और जो लोग श्लोक में समझ पाया हूँ वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिखा। प्लीज़ आप भी जरूर रिसर्च करिएगा और आप भी इनके बारे में और ज़्यादा पढ़िएगा। आर्यभट्ट ने एक श्लोक दिया जिनमें उन्होंने पाई की मान बताई, पाई की वैल्यू बताई। आप पाई पढ़ते हैं ना, पाई इसको 3.14, तो उन्होंने पाई की वैल्यू बताई। उस समय देखिए उन्होंने कहा क्या था और श्लोक के माध्यम से कैसे वो गणित लिखते थे, ज़रा इसके बारे में देखिएगा। तो उन्होंने कैसे लिखा था इसको ज़रा ध्यान देखिएगा। चतुराधिकम शतमष्टम गुणम द्युष्टिष्टता सहस्त्राणाम अत्युदृश्यम विश्वकाव्यस्त्रो वृत्त प्रणीय। मैं यहाँ पे थोड़ी सी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो ये पूरा श्लोक है बच्चों, अब इसका मतलब समझिए जरा। चतुराधिकम चार अधिक, चतुराधिकम मतलब चार अधिक, किससे, शतम मतलब 100 में चार अधिक चार जोड़ेंगे और 8 से गुणा करेंगे, फिर 62,000 जोड़ेंगे। यह नियम 2,000 परिधि के एक वृत्त का व्यास पता लगाया जा सकता है, ठीक है। और जब इसको आज के फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो आज की जो फॉर्मूले से पाई की वैल्यू आएगी वो 3.1416 आएगी, जो कि सही है, जो कि 5 अंकों तक सही है। आज भी परिधि में पाई का जो मान होता है दोस्तों, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और उस समय
उस समय आर्यभट्ट जी ने इस श्लोक के माध्यम से बताया था कि कैसे आप किसी वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं, किसी कैसे किसी वृत्त की त्रिज्या या व्यास निकाल सकते हैं। हाउ कैन यू फाइंड द डायमीटर एंड द रेडियस ऑफ एनी सर्कल। सो उस समय ये उन्होंने बताया था और सारी चीज़ें ये ऐसे श्लोक के माध्यम से बताते थे। काश इनके और श्लोकों की भी कोई व्याख्या कर पाता और हमें समझ में आती इन चीज़ों को। चलिए इनके योगदान में कुछ और पॉइंट देखते हैं दोस्तों। मध्यकाल में निकोलस और कॉपरसिन ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था, पर इस वास्तविकता से बहुत कम लोग परिचित होंगे। कॉपरनिकस से लगभग एक साल पहले आर्यभट्ट ने यह खोज कर ली थी कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी की अनुमानित 24,835 मील है इसकी परिधि। उस समय अनुमानित परिधि बता दी 24,835 मील है, लगभग एक हज़ार साल पहले आर्यभट्ट जी ने बता दिया था। महान वैज्ञानिक और गणित के यह भी ज्ञात था कि चंद्रमा और दूसरे ग्रह सूर्य के किरणों से प्रकाशमान होते हैं। इन्होंने उस समय भी यह बताया था कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये चंद्रमा जो चमकता है ये सूर्य के किरणें शोषित करके फिर उस किरणों को प्रकाशित करता है, और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो सूर्य का ही प्रकाश है। सोचिए उस दौर में भी लोग ये सब ज्ञान रखते थे। अगर हमें वो चीज़ें बताई जाती, काश हम ऐसे लोगों के साथ पढ़ पाते तो बात ही कुछ और होती। आर्यभट्ट ने अपने सूत्र से यह सिद्ध किया कि एक वर्ष 366 दिन नहीं वरन 365.2951 दिन होते हैं। उन्होंने बताया था कि एक साल में 365.2951 दिन होता है। ये कैसे? समय घंटे से, जैसे जैसे आप समय कम करते जाएंगे, एक साल में जो है वो 365 दिन और 0.2951 दिन होता है, लगभग 265.3 दिन होता है। ठीक है, चलिए आगे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। आर्यभट्ट के गणित के योगदान में हम कुछ और पॉइंट ऐड करेंगे कि आर्यभट्ट के कार्यों की जानकारी उनके द्वारा रचित ग्रंथों से मिलती है। इस महान गणितज्ञ ने आर्यभट्टीय, दस गीता तंत्र, आर्यभट्ट सिद्धांत जैसे ग्रंथों की रचना की थी। विद्वानों में आर्यभट्ट सिद्धांत के बारे में बहुत मतभेद है। ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट सिद्धांत का 7वीं सदी में व्यापक उपयोग होता था। संप्राप्ति इस ग्रंथ में केवल 34 श्लोक ही उपलब्ध है, और इतना उपयोग ग्रंथ लुप्त कैसे हो गया इस विषय में विद्वानों के पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है। यह ग्रंथ कैसे लुप्त हो गया इसके बारे में भी जानकारी नहीं। ओके, आर्यभट्ट के कुछ और गणित में योगदानों को हम यहाँ पे देखेंगे, फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। मैं खुद आर्यभट्ट के बारे में पढ़ रहा हूँ, थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, और जैसे ही कुछ बेहतरीन चीज़ें मिलती हैं, हमें कुछ समझ में आता है, मैं एक बार और बेहतरीन वीडियोज़ लेके आऊँगा आपके बीएड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बस समझने के लिए कि आर्यभट्ट के गणित में क्या योगदान रहा, कैसे उन्होंने चीज़ों को बताया, कैसे उन्होंने श्लोक के माध्यम से गणित को बताया था, इन चीज़ों को जानेंगे। लेकिन फिलहाल हम कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। जैसे आर्यभट्टी नामक महत्वपूर्ण ज्योतिष ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने वर्गमूल, घनमूल, समांतर श्रेणी तथा विभिन्न प्रकार के समीकरणों का वर्णन है। उन्होंने अपने आर्यभट्टी नामक कुल ग्रंथ 3 पृष्ठों में समाकनिक 33 श्लोक में गणित विषयक सिद्धांत तथा 5 पृष्ठों के 75 श्लोक में खगोलीय विज्ञान विषयक के सिद्धांत के लिए मतलब उन्होंने दोस्तों गणित के सिद्धांत 33 श्लोकों में बताए थे, जबकि 75 श्लोक में उन्होंने खगोलीय शास्त्री खगोल विज्ञान के बारे में उन्होंने बताया था। आर्यभट्ट ने इस छोटे से ग्रंथ में अपने से पूर्ववर्ती तथा पश्चिमवर्ती देशों तथा विदेश के सिद्धांतों के लिए भी क्रांतिकारी अवधारणाएँ उपस्थित हैं। तो दोस्तों ये रहा टोटल आर्यभट्ट जी के गणित के क्षेत्र में योगदान। इनकी कुछ और लेख की बात कर लें तो आर्यभट्ट ग्रंथ कुल 121 श्लोक पाए गए हैं, जिसमें जो 4 खंडों में विभाजित हैं, गणित पाद, काली क्रिया प्रताद और गोलपद। ओके, गोलपद उन खंडों में से छोटा सा ग्रंथ है। इस ग्रंथ में आर्यभट्ट ने एक अनोखी रीति का निर्माण किया। इसमें आर्यभट्ट ने संख्याओं के संक्षिप्त में लिखा और पूरे खंड को मात्र 11 श्लोक में समेट दिया। तीसरे एवं आगे आने वाले श्लोकों में क्षेत्रफल निकालने के नियम बताएं। ये सारी चीज़ें दोस्तों आर्यभट्ट के योगदान के अंतर्गत आते हैं। लास्ट पॉइंट देखेंगे इस वीडियो को समाप्त करने से पहले, हालांकि आर्यभट्ट जी के बारे में पढ़ा जाए तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन कुछ प्रमुख जो उन्होंने योगदान दिए थे, जो फॉर्मूलास बताए थे, जैसे गोले का क्षेत्रफल के बारे में उनके श्लोक हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, शंकु का घनफल, त्रिकोणमिति और उस पर आधारित नियम, वृत्त, चतुर्भुज, त्रिभुज खींचने की रीति, दीपक की दूरी तथा ऊंचाई जानने की रीति, परिस्थिति, परिधि, व्यास तथा संबंध का क्षेत्रफल। तो इन सारी चीज़ों के व्याख्या करी थी अपने श्लोक के माध्यम से। इन सारे पॉइंट्स को श्लोक के माध्यम से उन्होंने फॉर्मूलाज दिया था। दोस्तों मेरी खुद की ख्वाहिश है कि मैं इनको और स्टडी करूं और पढ़ूं, और जैसे ही दोस्तों
आर्यभट्ट जी के गणित के बारे में मुझे कुछ समझ आती है, मैं फिर से एक वीडियो बना के इनके इन सारे श्लोक के माध्यम से, अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था तो इन सारे सारे फॉर्मूलेज के त्रिभुज के क्षेत्रफल पे इन्होंने श्लोक दिया है, शंकु के घनफल पे इन्होंने श्लोक दिया है, तो श्लोकों के माध्यम से बताया है। यकीनन हम जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यह वीडियो मैं आपके बीएड के पर्पज से बता रहा था कि बीएड में अगर आपको ये सवाल पूछा जाए तो आप इसको कैसे लिखेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि कुछ इस प्रकार से आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। शुरुआत कहाँ से करेंगे दोस्तों? शुरुआत सबसे पहले आप आर्यभट्ट जी के जीवन परिचय देते हुए करिए। आर्यभट्ट जी के जन्म के बारे में थोड़ा बताइए, और आर्यभट्ट जी के बारे में बताइए कि ये किस क्षेत्र में काम करते थे, गणित के क्षेत्र में काम करते थे और खगोल शास्त्री के क्षेत्र में काम करते थे। फिर इनकी रचनाओं की व्याख्या करते हुए बताइए कि आर्यभट्ट जी ने किन किन चीज़ों की रचना करी, और कौन कौन से इनकी प्रसिद्ध लेख हैं, किताबें हैं, और इन्होंने कैसे नियम दिए। और एक श्लोक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस श्लोक को याद कर लीजिए, और इस चीज़ की व्याख्या अगर आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा कि किस तरीके से इन्होंने पाई के बारे में योगदान दिया और पाई की रचना करी और पाई के बारे में बताया था, और किस तरीके से इन्होंने वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस के बारे में बताया था। ठीक है, कुछ साथ ही इन्होंने जिस तरीके से पृथ्वी की परिधि के बारे में बताई थी, और जिस तरह से इन्होंने ये बताया था कि एक साल में कितने दिन होते हैं, इसकी भी हम व्याख्या करेंगे, और इस प्रकार से इनका गणित के क्षेत्र में योगदान हम देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने वर्गमूल, घनमूल और समांतर श्रेणी के बारे में बताया था, और लास्ट में इन्होंने कौन कौन से फॉर्मूलेस दिए थे, किस किस क्षेत्र में श्लोक के माध्यम से फॉर्मूला दिया था, इसकी हम यहाँ पर टिप्पणी करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों इसकी पूरी PDF मैं टेलीग्राम में से जुड़े साथियों के पास भेज दूंगा, अगर आप नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप पे ग्रुप लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सहायक होगा और कुछ आपको फ़ायदा मिला होगा, कुछ आपको मदद मिली होगी आर्यभट्ट जी के गणित के योगदान के बारे में लिखने में। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में आर्यभट्ट जी के कुछ और जानकारी के साथ, कुछ और श्लोकों के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, सेल्फ स्टडी करिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।